नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFE में। HDFC बैंक को लेकर मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है, जिसके कारण शेयर में हमें करेक्शन भी देखने को मिला। 1.5-2% की गिरावट आज हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। तो इस न्यूज के चलते शेयर में कितनी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। और HDFC बैंक जैसे शेयर में कोई भी नेगेटिव न्यूज इन्वेस्टर के लिए एक मौका होता है और भी खरीदारी करने का। तो कौन से लेवल पर इसमें बाइंग बनती है, कौन से लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले उस नेगेटिव न्यूज को समझ लेते हैं, जिसके कारण HDFC बैंक के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो RBI ने HDFC बैंक को ऑर्डर दिया है कि अपने न्यू क्रेडिट कार्ड के इश्यू को टेम्पररीली होल्ड पर रखा जाए और अपने जितने भी एक्टिविटीज डिजिटल 2.0 के अंडर प्लान किए, उसे भी आपको टेम्पररीली होल्ड पर रखना होगा। सीधा RBI से यह ऑर्डर आया, जिसके कारण शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और यह ऑर्डर इसीलिए आया है क्योंकि HDFC बैंक के डिजिटल सर्विसेज में डिस्रप्शंस देखने को मिले नवंबर 21 और नवंबर 22 को, जिसके बारे में RBI ने एक्सप्लेनेशन भी मांगा था नवंबर 23 को। और इसी के चलते फिलहाल ही हमें ऑर्डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तक कोई आपका जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो जाती, आपको न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करने चाहिए। इसके चलते RBI ने HDFC बैंक को यह भी बताया है कि आपने जो भी प्रॉब्लम है उसे एग्जामिन कीजिए और जल्द से जल्द फिक्स कीजिए, क्योंकि जब तक RBI को सैटिस्फैक्ट्री कॉम्प्लायंस नहीं मिल जाता, यानी कि जब तक RBI संतुष्ट नहीं हो जाता कि ओके HDFC बैंक के डिजिटल सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब तक इन रेस्ट्रिक्शंस को नहीं उठाया जाएगा। RBI ने यह भी बताया है कि सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 2 सालों में HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटी सर्विसेज में कई बार ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। नवंबर 21 को जो डिस्रप्शंस हुआ था उसके लिए HDFC बैंक का कहना है कि बैंक के प्राइमरी डेटा सेंटर में पावर फेलियर हो गया था, जिसके कारण कस्टमर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ी थी। कस्टमर्स ने HDFC बैंक के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स किए कि नवंबर 21 को पेमेंट स्टैक बीन इनऑपरेटिव हो गया था, जिसके चलते मनी कंट्रोल को HDFC बैंक के एक ऑफिशियल ने बताया है कि ये पावर आउटेज हुआ था DAKC सेंटर मुंबई में, जिसके कारण सिर्फ HDFC बैंक को नहीं, दूसरे भी कई बैंक है जो कि इस सेंटर के क्लाइंट्स दिखा देते हैं, तो उन्हें भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार HDFC बैंक के साथ नहीं हो रहा है। A similar incident took place on December 3, 2019. तो customers ने तब भी complaint किया था कि वो unable to pay their ये loan EMIs और settle credit card bills, तो तब भी money control को HDFC bank के official ने बताया था कि एक technical glitch देखने को मिला है, जिसके ऊपर experts काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द issue को सुधार दिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई technical issue नहीं था, ये एक capacity issue था, क्योंकि उनके payment volumes इतने बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने underestimate किया था, उनका जो software था, उनका जो IT department था, उसे handle नहीं कर पा रहा था। बेसिकली उनका बिजनेस इतना ज्यादा हो गया था कि उनका IT, उनका सॉफ्टवेयर उतने हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण यहां पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। बैंक ने पहले एक र्यूमर आया था कि एक साइबर अटैक हो रहा है, उसे भी डिसमिस किया था। इट एडेड दैट सेम हैड बीन कम्युनिकेटेड टू द बैंकिंग रेगुलेटर। तो HDFC बैंक का रिस्पांस क्या है, इसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो HDFC बैंक का कहना है कि अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं कि जो करंट सुपरवाइजरी एक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिजिटल बैंकिंग चैनल्स और एग्जिस्टेंस ऑपरेंट्स और बिलीव्स दैट दिस मेजर्स विल नॉट मटेरियली इंपैक्ट इज ओवरऑल बिजनेस। तो जितने भी करंट एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज भी अभी आपको चालू ही है, उसमें आप यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं और मटेरियली भी ओवरऑल बिजनेस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि इनकी लोन बुक यहाँ पर हमें कम होती हुई नजर आएगी, ऐसा बैंक का कहना है। और बैंक ने साथ ही साथ ये भी बताया कि सेवरल मेजर्स टू फोर्टिफाई इट्स IT सिस्टम, पिछले 2 सालों में IT सिस्टम को सुधारा जा रहा है और कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो डिजिटल सर्विसेज को सीमलेस यहाँ पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आगे आने वाले दिनों में कभी भी दिखाई ना दे। तो ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन ये है कि क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर आपको इश्यू करने का ऑर्डर नहीं है, आपको यहाँ पर होल्ड पर रखा गया है, जिसके कारण आज हमें SBI कार्ड्स में भी तेजी देखने को मिली थी। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर HDFC बैंक में निर्माण होती हुई नजर आ रही है। तो मेरा मानना है ओवरऑल सिचुएशन है टेक्निकल, IT एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फिलहाल तो दिखाई दे रहा है, इनके सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है, बाकी कोई मेजर इशू HDFC बैंक के रिलेटेड दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े यहाँ पर हमें NPA बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके कारण शेयर हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो एक टेक्निकल ग्लिच हम कह सकते हैं या फिर कैपेसिटी इशू कह सकते हैं, जिसे जल्द से जल्द HDFC बैंक पूरी तरह कोशिश करेगी कि इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए और सारी सर्विसेज को जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए।
स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 7,86,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,377 रुपीज, जो कि हमें 2% की गिरावट पे आज अवेलेबल है। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो वन वीक में फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, वन मंथ के बारे में बात करें तो 14% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, वन ईयर के बारे में बात करें तो 12% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं, फाइव ईयर्स के बारे में बात करें लॉन्ग टर्म में भी शानदार रिटर्न्स है, 161% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पी रेशियो 28.21 है जबकि सेक्टर का पी 25.82 है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है लेकिन कंपनी भी उतनी अच्छी है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.36 है जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.23 है, तो यहां पर भी क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है लेकिन कंपनी का कामकाज भी प्रीमियम है। डिविडेंड यील्ड 0.17% है जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.65% दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों यहां पर हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूअसली ग्रोथ ही देखने को मिलती है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। 2017 में 0.86 लाख करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़कर 2020 में 1.47 लाख करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 0.15 लाख करोड़ के प्रॉफिट 2015 से बढ़कर 2020 में 0.27 लाख करोड़ होते हुए नजर आए हैं। तो चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में शानदार तेजी स्टॉक ने हमें दिखाई है और फिलहाल स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और उसी के आसपास आज हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अगर इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 53.71 जो कि हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया था, तो ऑफकोर्स यहाँ पर करेक्शन तो देखने को मिलने ही वाला था। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 55.29, यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि ये भी ओवरबॉट सिचुएशन में कर चुका था, तो यहां पर भी हमें करेक्शन देखने को मिला है। एमएसडी के सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें पिछले दो दिनों से बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है, पिछले तीन दिनों से बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिलता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है 1,469 का लेवल, मीडियन के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, लोअर बैंड का लेवल है 1,300 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1,360 का लेवल है, पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है 1,257 का लेवल। अगर बात करें इसके नीचे सपोर्ट के बारे में तो वो काफी नीचे है, 1,074 के आसपास दिखाई देता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1,544 का पिवट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करती है जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैग रेंडर्स बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो ये स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल इसका 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 1,148 के आसपास का लेवल। अब मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल वन वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख पाएंगे इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था वो था 1,300 का लेवल और जब ये रेजिस्टेंस टूट गया और हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो तेजी भी देखने को मिली थी। तो फिलहाल स्टॉक में हमें लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले ऐसा जब हुआ था, जब पुराना रेजिस्टेंस टूट चुका था, तो आप यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब भी इसमें पुराना रेजिस्टेंस टूटता है, ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो वही पुराना रेजिस्टेंस इसमें एज ए सपोर्ट हमें दिखा देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल ये सिचुएशन हमें रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। तो इसका पुराना रेजिस्टेंस 1,300 का था जो कि फिलहाल एज ए सपोर्ट हमें दिखाई देने वाला है। तो ऐसे में पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, इसके चांसेस काफी कम है, आप ज्यादा लॉस में नहीं होंगे। फिलहाल इसमें अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो लॉस की गुंजाइश तो कम ही दिखाई देती है। और अगर आप लॉस में है भी तो भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो बैंकिंग सिस्टम में होती रहती है, कामकाज करें तो ऑफकोर्स कभी ना कभी प्रॉब्लम भी देखने को मिली जाती है, तो इसे चिंता नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है और फिलहाल हमें थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर न्यूज आई है, तो थोड़ा सा करेक्शन के चांसेस भी यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 20 डेज का ईएमए आप देख पाएंगे एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें पहले भी दिखाई दिया था, तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें और भी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग की है, तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश बाइंग के बारे में बात कर लेते हैं।
स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कई बार हमने इसमें बाइंग की है, 880 में बाइंग की थी, 1000 रुपीज पे बाइंग की थी। फिर से अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम बाइंग करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा टेक्निकली इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था 1300 का लेवल, यही लेवल एज अ सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो अगर आपको स्टॉक 1300 के आसपास दिखा देता है तो वहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड 1300 था और साथ ही साथ इसका जो 50 डेज का ईएमआई बनकर आता है वो भी 1285 के आसपास बनकर आता है। तो 1300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो स्टॉक अगर आपको कहीं पर भी 1290 से करके 1310 के आसपास नजर आता है तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी से इसे एक्युमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।